लीन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वॉइस आ रहा है मेरा, क्लियर है सबको? यस मैम, हाँ यस देखो, मैम, पर्टिकुलर लीन है एक, और एक है जनरल लीन, है ना। पर्टिकुलर लीन क्या होता है? हाँ राइट ऑफ बेली टू रिटेन द गुड्स इन हिज कस्टडी। राइट ऑफ बेली टू रिटेन द गुड्स इन हिज कस्टडी। इसका एक एग्जाम्पल बता रही थी मैं। सपोज ए है, उसके पास डायमंड्स में वो डील करता है, तो उसके पास एक रफ डायमंड है जिसको तराशना है अभी, ठीक है। तो ए के पास क्या है? एक रफ डायमंड है। वो किसको दे रहा है? वो बी को दे रहा है, ज्वेलर है जो उसको पॉलिशिंग और कटिंग का काम करके देगा। तो बी है ज्वेलर, तो बी अभी क्या है? बी एंटाइटल्ड है वो डायमंड या वो स्टोन को रखने के लिए, जब तक उसने वो जो सर्विस दी है, ए उसके लिए उसको पे नहीं कर देता है। तो ये हो गया पर्टिकुलर लीन, है ना। नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं, ये उसका एक एग्जांपल था। दूसरा, अब देखो कुछ कंडीशंस हैं, इनका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट हैव बीन फुलफिल्ड। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो पर्टिकुलर लीन कंप्लीट नहीं होगा। सपोज इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, जो बेली है उसने कोई सर्विस दी हो, ही मस्ट हैव रेंडर्ड सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड। सेकेंड देखो, जैसे मैंने अभी ये डायमंड ज्वेलर वाला बताया, तो इसमें क्या किया? उसने उसको सर्विस दी थी। दूसरा, द लेबर, कुछ काम हुआ होना चाहिए उसमें, है ना। मजदूरी या कुछ भी, वर्क, लेबर का मतलब मजदूरी भी है और एक काम करना किसी चीज पे। द लेबर मस्ट हैव बीन एक्सरसाइज बाय द बेली इन अकॉर्डेंस विथ द पर्पस ऑफ बेलमेंट, और वो बेलमेंट के उसमें ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसमें थर्ड वाला, बेली के पास सिर्फ वही गुड्स होने चाहिए जिसमें वो अपना लेबर डाल सके, अपने स्किल्स डाल सके और अपने एक्सपेंस डाल सके, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं आएगा पर्टिकुलर लीन में। अब बेली इज एंटाइटल्ड टू रिटेन ओनली दोज गुड्स on which he exercised his labor or skill and expense। क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट है किसी को इसमें? He is not entitled टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बेलर विच इज इन हिज कस्टडी, विच इज इन हिज कस्टडी। किसी को डाउट है इस पॉइंट में? पूछो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, इसमें फोर्थ पॉइंट, द राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अंटिल द सर्विस हैज बीन परफॉर्म्ड। द राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड
until the lien has been performed. Sorry, until the service. Until the service has been performed. Clear है यहाँ तक? ये चार conditions जब तक fulfill नहीं होंगी तब तक particular lien complete नहीं होगा. क्लियर है यहाँ तक? इसमें yes, ma'am. एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ. देखो द बेली, जो बेली है ना, वो अपनी लीन कब एक्सरसाइज करेगा? द बेली कैन एक्सरसाइज हिज लीन. हिज लीन मतलब यहाँ पे कौन सी लीन की बात हो रही है? पर्टिकुलर, जनरल की बात नहीं हो रही है. There is no contract to contrary. मतलब इन लोगों ने कोई ऑलरेडी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन कर लिया, नहीं तो ये लीन कंप्लीट नहीं कर पाएगा बेली. द बेली कैन एक्सरसाइज पर्टिकुलर लीन प्रोवाइडेड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी. मतलब ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं साइन कर लिया कि वो अपना राइट्स यूज ही नहीं कर सकता, मतलब वो उस गुड्स को रख ही नहीं सकता. पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, कोई गुड्स तो होना चाहिए जिसका वो लीन कर पाएगा, अपने पास जब्त कर पाएगा. पोजेशन ऑफ गुड्स बेल्ड बाय द बेली इज एसेंशियल टू constitute a lien. Once possession is lost, अगर वो उससे गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या वो उसको दे देता है. Once possession is lost, lien disappears. Clear है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. पर्टिकुलर लीन में ये चार कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए. अब जनरल लीन में आते हैं अपन. जनरल क्या होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को? देखो पर्टिकुलर क्या होता है, किसी एक चीज से रिगार्डिंग होता है. जनरल में क्या हो जाता है, ओवरऑल हो जाता है ना. पर्टिकुलर जब हम बोलते हैं तो हम किसी एक चीज को मेंशन करते हैं, लेकिन जनरल में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है. बताओ कोई एक्सप्लेन करेगा? देखो जनरल लीन के लिए सेक्शन 171 बोलता है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बेली. मतलब कुछ ऐसा काम किया है इन लोगों ने, कुछ कैटेगरी के लोग हैं, मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशन को इसमें इन्वॉल्व किया है जो जनरल लीन को यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे बैंकर्स हो गया, फिर फैक्टर्स, फिर इसमें आ जाएगा वॉर फिंगर्स. क्या होता है वॉर फिंगर्स, कभी सुना है नाम? अटॉर्नी ऑफ कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स, देखो जैसे वॉर फिंगर्स क्या हो गया, जैसे अगर अपन किसी दूसरे कंट्री से, यहाँ अपन कंट्री टू कंट्री कोई गुड्स भेज रहे हैं, किसके थ्रू? शिप के थ्रू.
समझ में आ रहा है? वॉटर के थ्रू, बाय बाय वॉटर वेज, पानी के थ्रू, जहाज वगैरह से अगर हम कुछ सामान भेजते हैं तो वहां पोर्ट पे, बंदरगाह पे, डॉक यार्ड पे, डॉक पे सामान जब उतरता है तो वहां का जो गोडाउन होता है वहां, उसको बोलते हैं वॉर फिंगर्स। अटॉर्नी ऑफ कोर्ट मतलब लीगल एडवाइजर ऑफ कोर्ट, है ना, हाईएस्ट लीगल पोजीशन होती है इसकी, अटॉर्नी की। बैंकर्स, बैंक वाले, फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स वगैरह सिक्योरिटी वगैरह में आते हैं। पॉलिसी ब्रोकर्स मतलब जिनसे हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। तो इन ये जो कैटेगरीज हैं, तो अगर हम इनसे कोई सर्विस लेते हैं तो इनको जनरल लीन का प्रॉफिट मिलता है। आ रहे हैं समझ में? दूसरा इसमें एक चीज आएगी, देयर शुड या मस्ट बोल दो, ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब अगर अपन डॉकयार्ड वगैरह से कोई सामान भेज रहे हैं, देखो अगर अपन डॉकयार्ड वगैरह से कोई सामान भेज रहे हैं तो उसका एक चार्जेस होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो वहां पे जब हम जाते हैं तो बिल लेके, तो हमको उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। जब तक हम उनको अमाउंट वो पे नहीं करेंगे, वो गुड्स हमको रिटर्न नहीं करेंगे। आ रहे समझ में? पॉलिसीज वगैरह, पॉलिसी में हम प्रीमियम तो पे करते हैं, लेकिन अगर हमने एक आधे प्रीमियम पे नहीं किया तो वो हमको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे पूरा। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है ये होती है जनरल लीन की। ये सिर्फ यही चार लोग यूज कर सकते हैं, बैंकर, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स और अटॉर्नी, और फिफ्थ में आ जाएगा पॉलिसी ब्रोकर्स। क्लियर है? यस मैम। आगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जो एक्स है, अगर उसने कुछ मोबाइल सेट्स इम्पोर्ट करवाए हैं, है ना, एक उसने जापान से मंगवाया है, एक डॉग उसने अमेरिका से मंगवाया है, तो अगर पोर्ट पे दोनों सामान एक साथ पड़े हैं उसके नाम से, तो अगर वो एक जापान वाले का अमाउंट पे कर रहा है फिलहाल और कहता है कि मैं अभी दोनों लेके जा रहा हूँ या एक ही लेके जा रहा हूँ और सेकंड का मैं अमाउंट बाद में पे करके बाद में लेके जाऊंगा, नहीं, उसको दोनों का अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑर्डर उसने दोनों एक साथ ऑर्डर किया था। तो किसी एक का पे करके एक को भी नहीं ले जा सकते, दोनों का पे करके दोनों को ले जा सकते, नहीं तो वो गुड्स तब तक उसकी कस्टडी में रहेगा। तो ये लीन रहेगी जनरल लीन। आगे देखो, इसमें डिफरेंस बिटवीन का एक कॉलम बनाओ, तो इधर बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख रही हूँ। इसमें मैं बता रही हूँ पर्टिकुलर लीन के लिए, इसमें जनरली। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला डिफरेंस देखो, मीनिंग, तो यहां से ज्यादा क्लियर होगा। राइट टू रिटेन द गुड्स इन पोजिशन ऑफ ओनली दोज गुड्स, यहाँ पे हम सिर्फ वही गुड्स रख सकते हैं जिसका अमाउंट नहीं मिला है। लेकिन जनरल में क्या होगा, हम सारे गुड्स रखते हैं जब तक हमको पूरे का अमाउंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ डिफरेंस इसमें? राइट टू रिटेन ओनली दोज गुड्स राइट टू रिटेन ओनली दोज गुड्स इन पोजेशन हुज अमाउंट इज ड्यू।
लेकिन जो जनरल लीन है जिसका मैंने अभी एक एग्जांपल दिया उसमें क्या रखेंगे, राइट टू रिटेन ऑल गुड्स, राइट टू रिटेन ऑल गुड्स अंटिल द ऑल द क्लेम्स अंटिल ऑल द क्लेम्स आर सेटिस्फाइड. मीनिंग में किसी को डाउट है बताओ, मीनिंग में कोई डाउट है, क्लियर मैम है? Until all the claims are satisfied. Second देखो, section. इसमें ना section 170 applicable होगा government का और इसमें 171. तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ राइट, राइट किसके पास है, दोनों सिचुएशन में बताना मेरे को. अवेलेबिलिटी ऑफ राइट बताओ किसके पास है राइट्स अवेलेबल. ऑल द नाम है भले इसका पर्टिकुलर पर ऑल द बेलीज इन जनरल ये सारे बेलीज के पास है. और जो जनरल लीन है वो किसके पास अवेलेबल है, सिर्फ कुछ लोगों के पास, बैंकर्स, फैक्टर्स. और क्या बताई थी, देखो ऊपर लिखा है अटॉर्नी, बैंकर्स हो गया, फैक्टर्स हो गया, अटॉर्नी हो गया, और क्या है इसमें, पॉलिसी होल्डर्स. आ रहे समझ में? यस मैम. पॉलिसी होल्डर्स और फिर एक और बच गया, क्या नाम है उसका, फोर वॉर फिंगर्स. फिंगर्स. वॉर फिंगर्स. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ देखो, अमाउंट ड्यू. जो अमाउंट ड्यू है तो देखो ऊपर इसमें पर्टिकुलर वाले में कितना ही रिकवर करना है जितना सिर्फ ड्यू है ना, और इसमें किसी भी अमाउंट के लिए हम कर सकते हैं. इसके लिए लिखना इट कैन बी एक्सरसाइज टू रिकवर द चार्जेस. कैन बी एक्सरसाइज टू रिकवर द चार्जेस और इसमें क्या हो जाएगा, इट कैन बी एक्सरसाइज फॉर एनी अमाउंट ड्यू. इट कैन बी एक्सरसाइज फॉर एनी अमाउंट. देखो एनी अमाउंट क्यों लिखा है, चाहे 10% ही क्यों ना बचाओ पर ये पूरा का पूरा गुड्स रख लेगा. आगे देखो फिफ्थ वाला, राइट्स एक्सरसाइज. राइट्स एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज कौन से गुड्स में करेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स ऑन ही हैज ऑन ही हैज एक्सपेंडेड अपना जिसमें लेबर या अपने स्किल दिए. ऑन ही हैज एक्सपेंडेड लेबर और स्किल. और इसमें देखो
इट इज relating, it is relating to all goods. To all goods in its possession. जितने भी goods हैं सबके लिए. Clear है यहाँ तक difference between?